मुल्क मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर के पेट से हीरोइन से भरे कैप्सूल बरामद कर लिए। मुलजिम नाइजीरिया का रहने वाला है जो अफ्रीका जा रहा था। ANF हुकाम ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में कोरोना से एक और मरीज चल बसा। मरने वालों की तादाद 809 हो गई। 24 घंटों में मजीद 91 मरीज सामने आ गए। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 47,031 तक जा पहुंची। पंजाब में भी 210 मरीजों में वायरस की तस्दीक। तादाद 91,901 हो गई। पेफ पार्टनर्स को धरने की सजा। एक बार फिर जायद कटौतियां कर ली गईं। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इल्ज़ाम। सदर एप्सा मियां शब्बीर अहमद हाशमी कहते हैं जुर्माने की मद में जुलाई की पेमेंट काट ली गई। मार्च से पहले की अदायगियां रोक ली गईं। पेफ सिस्टम को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। मार्च से जुलाई तक की पेमेंट ईद से पहले अदा की जाए। स्कूल खुलने के बाद बे फॉर्म मुकम्मल करके जमा कराएंगे। और भेकेवाल पिंड के मकीनों की सुनी गई। वजीर हाउसिंग ने सुई गैस और वाटर सप्लाई के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मियां महमूदुर रशीद कहते हैं रिहायशियों के लिए साफ पानी मंसूबा अव्वलीन तरजीह है। दो साल तहरीक इंसाफ ने होमवर्क मुकम्मल किया।